Hello friends, how are you? I hope you are healthy and well. So welcome back to my channel. Myself Abhishek Kumar, I am your body mentor. So today I will discuss very interesting and important topic of the 11th NCERT, that is the Animal Kingdom. So I hope you really enjoy this session. So if you like my session, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in description box and about section of my channel. So please go through about section of my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate with me. So watch the video and keep support. Hello friends. So we start today's topic. So today's topic is Animal Kingdom. So in Animal Kingdom, we discuss each and every things with interesting manner. And what is basis of classification? You know, why need basis of classification? Each and everything. So you enjoy this video with me. So first we read what written in text. After that we elaborate each and every things. So I hope you really appreciate with me. So test में क्या लिखा है वो हम देख लेते हैं. When you look around, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, you will observe different animal with different structure. तो हम डिफरेंट एनिमल डिफरेंट स्ट्रक्चर के देखते हैं और उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती हैं, है ना. एज ओवर ए मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल हैज बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ. हमारे जो रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग 1.7 मिलियन स्पीसीज जो थी हमारी वो डिस्क्राइब हो चुकी थी. तो 1 मिलियन जो होता है हमारा, 1 मिलियन किसको बोलते हैं हम, 1 मिलियन बोलते हैं हम 10 लाख को, ठीक है. 10 लाख को हम 1 मिलियन बोलते हैं, ठीक है. एज ओवर मिलियन ऑफ एनिमल स्पीसीज हैज बीन डिस्क्राइब टिल नाउ. अभी तक हमारी 1 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीसीज जो है एनिमल की वो डिस्क्राइब हो चुकी हैं, ठीक है. द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम, हमारी क्लासिफिकेशन की नीड क्यों पड़ी, है ना, तो उसके बारे में दिया गया है. द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट. तो हमारी जो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी. द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन, जो क्लासिफिकेशन जो था हमारा वो किस में हेल्प कर रहा था. क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन एजाइनिंग ए सिस्टमेटिक पोजिशन ऑफ न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज. जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो हमारी न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज, मतलब जो हमारी नई स्पीसीज डिस्क्राइब हो रही है उसको एक सिस्टमेटिक पोजिशन प्रोवाइड करा रहा था, है ना. वो सिस्टमेटिक पोजिशन प्रोवाइड करा रहा था न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज के लिए. इसलिए हमारा क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो अब क्लासिफिकेशन तो हमारा हो गया. अब उसका बेसिस, तो मतलब कोई भी चीज़ करने से पहले उसका कुछ बेस होता है कि मतलब किस बेसिस पे हम उसको क्लासीफाइड कर रहे हैं, एनिमल को किस बेसिस पे हम क्लासीफाइड कर रहे हैं, है ना. तो उसके लिए हमको इसमें बताया गया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो इन फाइट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल. यानी हमारे जो एनिमल होते हैं उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है और डिफरेंट फॉर्म होती है, है ना. देयर आर फंडामेंटल फीचर्स, जो उनके कुछ फंडामेंटल कॉमन फीचर्स होते हैं टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल, है ना. उनकी सेल का अरेंजमेंट कैसा है, बॉडी की सिमेट्री क्या है, नेचर ऑफ सीलोम क्या है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पैटर्न क्या है. तो इसका मतलब ये इसमें ये हमसे बोल रहा है कि हमारा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो हमारा किस किस बेसिस पे किया गया था. यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो किस बेसिस पे था. तो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो था, तो सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ सेल, सेल का अरेंजमेंट क्या है, किस सेल का सेलुलर लेवल उसमें, है ना, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. उसके बाद हमको ये दिया गया है. सेकंड क्या है, बॉडी सिमेट्री, बॉडी की सिमेट्री क्या है, वो सीडो सिमेट्री का है, रेडियल सिमेट्री या बाई लेटरल सिमेट्री है, है ना. नेचर ऑफ सीलोम, नेचर ऑफ सीलोम का होता है, सीलोम का मतलब होता है देह गुहा, है ना. तो बॉडी वॉल और गट के बीच जो कैविटी होती है उसको हम सीलोम बोलते हैं, देह गुहा बोलते हैं, है ना. वो हम आगे चल के पढ़ेंगे. नेचर ऑफ सीलोम में आता है सीडो सीलोमेट है, ए सीलोमेट है, है ना, या सीलोमेट है. तो पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है. अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट है तो उसमें माउथ और एनस होगा. अगर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है तो हमारा माउथ जो होगा सिंगल ओपनिंग होगी, है ना. तो वही माउथ का काम करेगा, वही एनस का काम करेगा, है ना. उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी ओपन टाइप या क्लोज टाइप का है, तो ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, है ना. रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, है ना. वो एनिमल प्रोड्यूस करता है, किस टाइप से करता है. ईच एंड एवरी थिंग वी डिस्कस. दीज फीचर्स आर यूज एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन. तो ये हमारे जितने फीचर थे एनिमल को क्लासिफिकेशन के लिए ये यूज किए गए, है ना. एंड सम देम आर डिस्कस हियर. जो कुछ के बारे में हम यहाँ पे
डिस्कस करेंगे। तो हमारा इसमें क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा फर्स्ट जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको दिया गया है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा आएगा कि हमारा जो एनिमल है वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है सेल से मिलके बना हुआ है ना। टिश्यू लेवल है, जो हमारी सेल से मिलके टिश्यू बनते हैं। और फिर ऑर्गन मतलब ऑर्गन लेवल है या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल है, तो हम सब कुछ इस वीडियो में देखते हैं है ना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑल्दो ऑल मेंबर ऑफ एनिमल या मल्टीसेलुलर है ना, जितने भी एनिमल किंगडम में, यानी सभी एनिमल जो हैं वो हमारे क्या हैं, मल्टीसेलुलर हैं। सभी एनिमल हमारे मल्टीसेलुलर हैं, हमको ये दिया गया है ठीक है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, मतलब उनमें से जो ऑल मेंबर ऑफ एनिमल या जो हमारे मल्टीसेलुलर हैं, और उसमें से सभी एक जैसा है ना, सभी एक जैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पैटर्न ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का वो एग्जिबिट नहीं करते हैं। सब में डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है, इन स्पंजेस, जो हमारे स्पंज होते हैं, स्पंज हमारे जो हैं वो पोरीफेरा के मेंबर होते हैं। पोरीफेरा का मतलब होता है पोर, इससे हमारा होता है पोरीफेरा ठीक है। पोरी मतलब होता है पोर बियरिंग है ना, पोर बियरिंग होता है। पोरीफेरा का मतलब होता है हमारे जो होते हैं वो पोर बियरिंग होते हैं, उनमें बॉडी में छिद्र होंगे है ना, होल्स होंगे छोटे छोटे ठीक है। फॉर एग्जांपल स्पंज जो हमारे होते हैं उनमें किस टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हम देखते हैं। इन स्पंज द सेल अरेंज इन लूज सेल एग्रीगेट, मतलब जो हमारे स्पंज होते हैं उनमें सेल जो होती है एक लूज होती है, लूज एग्रीगेट होती है ना, सेल का अरेंजमेंट होता है लूज एग्रीगेट होता है। दे एग्जिबिट सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो ये होते हैं स्पंज वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट करते हैं है ना। सम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब जो प्रत्येक सेल होगी उसका एक अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होगा, काम करेगी वो अलग अलग, मतलब सभी जितनी भी सेल होंगी वो अपना अलग अलग काम करेंगे है ना। अकर्स एमंग द सेल, मतलब जो हमारे लेवल ऑफ डिवीजन होता है, एक्टिविटी पाई जाती है हमारी इसमें स्पंजेस में कि वो हर सेल अपना अलग अलग काम करेगी है ना। तो मतलब हमारा जो पोरीफेरा में है, स्पंजेज हमारे पोरीफेरा के मेंबर हैं, उनमें हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इसका मतलब ये है ठीक है। इन सिलेंट्रेट, जो हमारे सिलेंट्रेट होते हैं, सिलेंट्रेट और हमारे टीनोफोरा है ना, सिलेंट्रेट और टीनोफोरा हमारे, इनमें जो होता है हमारा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है ठीक है। इसमें देख लेते हैं, द जो सिलेंट्रेट द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, मतलब हमारा जो सिलेंट्रेट होते हैं उनमें सेल का अरेंजमेंट होता है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है। मोर कॉम्प्लेक्स का मतलब हमारी जो पोरीफेरा में जो स्पंजेज में था उसमें सेल का सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, बट इसमें जो हमारा सिलेंट्रेट और टीनोफोरा में हो गया इसमें मोर कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी टिश्यू लेवल जो सेल होती है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है ठीक है। तो हम जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो हमारी सेल है, उसके बाद हम सेल से हमारा बनता है टिश्यू है ना, टिश्यू से बनता है हमारा ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम ठीक है। तो ये हमारा होता है एक इवोल्यूशनरी ऑर्डर देखेंगे हमारा, तो इस तरह से होता है। सिलेंट्रेट अरेंज ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, सिलेंट्रेट में जो होता है अरेंजमेंट ऑफ सेल का वो मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हियर सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, जो हमारी सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन एंड अरेंजमेंट इन टू टिश्यू, मतलब टिश्यू कैसे बनते हैं, जो कॉमन ओरिजिन हो है ना, सेल की कॉमन ओरिजिन हो और कॉमन फंक्शन हो, फंक्शन में भी सिमिलर में भी नॉट सिमिलर, बट जो हमारा कॉमन ओरिजिन है तो हमारा वो सिमिलर होना चाहिए, तभी वो हमारा टिश्यू कहलाएगा ठीक है। हेंस इज कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसको हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो सिलेंट्रेट होते हैं और टीनोफोरा होता है इसमें हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ठीक है। ए स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और टिश्यू लेवल से भी हमारा हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे प्लेटे हेलमिंथीज में पाए जाते हैं है ना। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारा एट स्टेट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिटेड बाई मेंबर ऑफ प्लेटे हेलमिंथीज को हम प्लेटवर्म भी बोलते हैं। प्लेटे से मतलब चल रहा है प्लेट है ना, ऐसे हम पढ़ेंगे प्लेट है ना, कुछ मिलता जुलता फ्लैट समझे।
तो इससे पता चला हमारा प्लेटल मीन चीज को हम फ्लैट बम बोलते हैं, फ्लैट बम को बोलते हैं हिंदी में चपटा क्रैम, मतलब वो चपटे हुए हैं ना फीते के रूप में, उनका ऐसे होता है बॉडी स्ट्रक्चर। द ऑर्गन लेवल या हम देखते हैं ऑर्गन लेवल एग्जिबिटेड बाई मेम्बर ऑफ प्लेटल मेनिन्थीज एंड अदर हायर फाइला एंड और अदर हायर फाइला है ना, प्लेटल मेनिन्थीज, स्केल मेनिन्थीज है ना, बहुत सारे फाइला आते हैं। वेयर टिश्यू ग्रुप आर टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन है ना, ऑर्गन जो हमारे टिश्यू मिलके हमारे ऑर्गन बनाते हैं। पहले हमारा सेल होता है, सेल से हमारा टिश्यू बनता है, टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से हमारा जब एक ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन अपना होंगे तो वो हमारे ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे, जो कि हमारे हायर एनिमल में पाए जाते हैं है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इस टाइप का। ईच स्पेशलाइज फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन, जो हमारा ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, एक स्पेशलाइज हो जाता है वो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा वो हमारे गैसेस एक्सचेंज का काम करेगा, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा सर्कुलेशन में हेल्प करेगा यानी ब्लड का फ्लो करेगा बॉडी में है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारा वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। ईच ऑर्गन सिस्टम है पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। इन एनिमल लाइक एनिलिड्स, जो हमारे एनिलिड्स होते हैं, जो हमारे एनिलिड्स होते हैं यानी एनिलिडा, एनिलिडा जो हमारा होता है अर्थवर्म होता है, वो एनिलिडा में हमारा क्या आता है, अर्थवर्म आता है, अर्थवर्म आता है, और आर्थ्रोपोडा और मोलस्का है ना, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा एंड कॉर्डेटा, ये हमारे होते हैं ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम है ना, ये हमारे फंक्शनल सिस्टम यानी हमारे ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि हमारा ये ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ईच सिस्टम कंसर्न विद ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो हमारा ई सिस्टम होता है तो उसका एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है ना, कि वो मतलब क्या करेगा, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा रिप्रोडक्शन कराएगा है ना, और सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन कराएगा। दिस पैटर्न कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हम इस पैटर्न को ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो अब हम आपको इसको सिंपल तरीके से बताते हैं क्या क्या मतलब इसका, ठीक है। जो हमारे स्पंजेस थे, स्पंज, ठीक है, स्पंज जो थे हमारे, उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, और उसके बाद हमारे सिलेंटेट आ गया, सिलेंटेट और टीनोफोरा, टीनोफोरा में हमारा जो हो गया वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो हमारे होते हैं, ठीक है, और जो हमारा प्लेटेहेल्मिंथीज हो गया हमारा, उसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो हमारा हो गया एस्केल्मिंथीज टू कॉर्डेटा, एस्केल्मिंथीज टू कॉर्डेटा हो गया हमारा, वो हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसका सिंपल मतलब ये है, ठीक है। इसमें हमको दिया गया है जब हमारे कौन कौन से एनिमल, यानी एनिलिड्स हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, एंड इकाइनोडर्माटा एंड कॉर्डेटा हो गया, तो ये हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, जो हमारे ईच ऑर्गन सिस्टम का एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, वो स्पेसिफिक वर्क करेगा अपना, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरिएट पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमारा ऑर्गन सिस्टम होता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल का, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है ना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल में हमको क्या बताया गया है, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटेहेल्मिंथीज, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा प्लेटेहेल्मिंथीज में, वो क्या होता है, ओनली सिंगल ओपनिंग, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेटेहेल्मिंथीज का होता है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। हमने आपको बताया था कंप्लीट हम उसको बोलेंगे जिसमें दोनों माउथ और एनस हो, उसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे, बट हमारे प्लेटेहेल्मिंथीज में ओनली सिंगल ओपनिंग है आउटसाइड ऑफ द बॉडी कैविटी, जेट सर बिट बोथ माउथ एंड एनस, जो हमारी प्लेटेहेल्मिंथीज के मेंबर्स होते हैं उनमें सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है बॉडी के आउटसाइड, जो कि हमारा माउथ और एनस दोनों का काम करती है, तो इसलिए हम उसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे, है ना। तो हमको दिया भी गया है आगे, सर्वाइज माउथ एंड एनस हेंस कॉल्ड
इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी प्लेटल मेथिस में हमारा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सिंगल ओपनिंग होती है जो कि हमारा माउथ और एनस दोनों का काम करता है ना। एक कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा हमारा, एक कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज ए टू ओपनिंग, जो हमारा कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसमें टू ओपनिंग होगी है ना, एक होगी माउथ और एक एनस, जहाँ से हम खाना खाएंगे और जहाँ से हम पास, समझ लो ना, पास आउट करेंगे, ठीक है, तो उसको हम कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसी टाइप का होता है ना, उसमें भी टू टाइप के होते हैं, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमारा जो होता है प्लेटल लेमिनथीज में मोड़ा होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है प्लेटल लेमिनथीज के बाद एस्केल लेमिनथीज से कॉर्ड डेटा लगा के हमारा क्या होता है, कम्प्लीट होता है, ठीक है। जो हम इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम भी टू टाइप होता है, ओपन टाइप, ओपन टाइप का मतलब क्या होता है, खुला हुआ है ना, उसमें आर्टरी वेन वेन्यूल्स कैपिलरीज वगैरह नहीं होंगी, ठीक है। इसमें देखते हैं ओपन टाइप इन विच ब्लड इज पंप आउट ऑफ हार्ट, आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट, मतलब जो होता है हमारा जो हार्ट से ब्लड पंप होगा वो ऐसे खुले में होगा, उसमें जो हमारे ऑर्गन होते हैं वो हमारे सेल्स होते हैं टिश्यू होंगे उसी में डायरेक्टली डूबे हुए होते हैं, मतलब उसी में तैर रहे होते हैं, उसी में डिप्ट होते हैं, ठीक है। और हमारा जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इन विच ब्लड सर्कुलेटेड थ्रू सीरीज ऑफ वेसल्स वेरी इन डायमीटर, हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें सीरीज ऑफ वेसल्स होती हैं जो कि हमारी डायमीटर वेरी करती हैं, मतलब जैसे हमारा आर्टरी वेन वेन्यूल्स कैपिलरीज ईच एन, तो इनका अलग अलग जो होता है डायमीटर होता है, आर्टरी का डायमीटर कम होता है, आर्टरी का डायमीटर क्यों कम होता है, क्योंकि उसमें जो होता है ना प्रेशर, आर्टरी में जो प्रेशर होता है वो हमारा वेन के अपेक्षा ज़्यादा होता है, ठीक है, तो हमारा वेन का डायमीटर थोड़ा उससे आर्टरी से ज़्यादा होता है। कैपिलरीज में फाइन वेन एंडिंग होती हैं, बहुत पतली पतली सी होती हैं हमारी कैपिलरीज, है ना। अब हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था वो खत्म हो गया, इसमें सिमेट्री, अब उसके बाद वैसे तो आप क्लासिफिकेशन में सिमेट्री देखेंगे, हम सिमेट्री के बारे में हमको बताया गया है, सिमेट्री क्या हमारी सिमेट्री, एनिमल कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, एनिमल को हम उसकी सिमेट्री के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, है ना। जो सिमेट्री का मतलब जैसे हमारी इसमें स्पंजेज जो होते हैं हमारे उसमें एसिमेट्री होती है, एसिमेट्री का मतलब हमारे उनको हम कहीं से भी काट नहीं सकते हैं, है ना, कोई उसमें उसमें कोई काट काट नहीं सकते उसको, हेंस एनिमल हमारे जो होते हैं मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। सो इसमें क्या है, एनी प्लेन डेट प्रोसेस थ्रू द सेंटर, जो हमारा कोई भी प्लेन, मतलब कोई भी हम प्लेन काटेंगे जो हमारा सेंटर से पास हो और वो इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर पाए तो उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल, ठीक है, एसिमेट्रिकल बोलते हैं उसको। तो हमारे जो स्पंज होते हैं वो हमारे मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब उसकी कोई सिमेट्री नहीं होती है, हम उसको सेंटर से प्लेन उसका काटते हैं फिर भी हमारे इक्वल हाफ पे वो डिवाइड नहीं होते हैं, है ना। और फिर क्या दिया, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, जब हमारा कोई प्लेन सेंटर से पास हो एंड बॉडी डिवाइड ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटू टू आइडेंटिकल हाफ, और हमारी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को टू आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर दें तो उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, है ना। अब आपको हम बताते हैं, देखो सिंपल तरीके से जो हमारी है रेडियल सिमेट्री का मतलब हमारा है, अगर सपोर्ट डेट ये हमारा एक है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उसका ये हुआ सेंटर, अब हम ऐसा प्लेन डालें कि हमारे इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को टू इक्वल हाफ में वो डिवाइड कर दें, तो सिंपल सा तरीका है, हम प्लेन को सेंटर से पास करेंगे, ठीक है, तो हमारा राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो गया ये, अगर हम यहाँ से करेंगे तो भी हमारा वो इधर भी डिवाइड हो गया इक्वल हाफ में, है ना, अगर हम इसको यहाँ से करेंगे तो भी हमारा इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, तो इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। यहाँ पे हमको दिखाया गया है ये हमारा जो है ये रेडियल सिमेट्री का है, यहाँ से हमने इसको ऐसे किया ये देखो, है ना, तो हमको रेडियल राइट और इसमें डिवाइड हो गया, दो इधर अपेंडिज आ गए, ये दो इधर आ गए, हमारा ये रेडियल सिमेट्री हो गया, मतलब हमारा एक सेंटर से कोई भी प्लेन पास करेंगे और उसको दो इक्वल बराबर भागों में डिवाइड कर दें तो उसको हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। और दूसरी सिमेट्री क्या होती है, रेडियल सिमेट्री हमारी रेडियल सिमेट्री हो गई, है ना। अब हमारी इसके बाद क्या होती है, हमारी बायलेटरल सिमेट्री होती है। अब बायलेटरल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री जो होती है हमारी मोस्ट एडवांस सिमेट्री होती है ना, तो रेडियल सिमेट्री जो होती है हमारी, हाँ रेडियल सिमेट्री हम इसमें देख लेते हैं, रेडियल सिमेट्री हमारी होगी तो सिलेंट डेटा, है ना,
जो हमारे स्पंज थे हमारे वो मोस्टली एसिमेट्रिकल थे, मतलब उसमें हमारी कोई सिमेट्री नहीं थी ना। जो हमारे सिलेंट्रेट होते हैं, ट्विनोफोरा होते हैं, इकाइनोडर्मेटा होते हैं, जो हमारा इसमें इकाइनोडर्मेटा में एक हमारा एक्सेप्शन है, जो हमारा एडल्ट इकाइनोडर्मेटा होता है, जो हमारा इकाइनोडर्मेटा जो होता है हमारा इकाइनोडर्मेटा जो होता है हमारा एडल्ट एडल्ट जो इकाइनोडर्मेटा होता है वो हमारा रेडियल सिमेट्री शो करता है। क्या करता है? हमारा रेडियल सिमेट्री शो करता है, ये हमारा एक्सेप्शन है। और जो उसका लार्वा होता है, जो लार्वा होता है, वो लार्वा होता है ना, वो हमारी बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, यानी हमारा मोस्ट एडवांस सिमेट्री शो करता है। ये हमारा एक्सेप्शन है, ये हमारे क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, पूछ लेते हैं, यहाँ कन्फ्यूजिंग है, इसको हम याद रखेंगे। यानी हमारा सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया और इकाइनोडर्मेटा हो गया। ये हमारे सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और हमारी इकाइनोडर्मेटा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, ये हमारी कैसी रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। रेडियल सिमेट्री क्या होती है मैंने आपको बता दिया है ना। अब हमारे इसमें दिए गए एनिमल लाइक एनिलीड्स, आर्थोपोड्स है ना, एनिलीडा, आर्थोपोडा, तो हमारी क्या क्या सिमेट्री करेंगे, ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करेंगे। एनिलीडा, आर्थोपोडा, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इंटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन, एग्जिबिटेड बायलेटरल सिमेट्री। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि हमारे कोई भी एनिमल है, मान लो हमारा ये एनिमल है, अब हमारा है ना इसमें एक हम प्लेन डालेंगे, ओनली एक प्लेन, हम सिर्फ एक ही प्लेन डालेंगे और वही प्लेन हमारा ऑर्गेनिज्म की बॉडी को राइट और लेफ्ट इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें, तो उसको हम बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। देखो लेटरल का मतलब होता है हमारे अगल बगल है ना, सिंपल तरीके से हम अगल बगल, जैसे हम अपने बॉडी से प्लेन डालें तो ये हमारा जो है यहाँ से अगर प्लेन पड़ेगा, ऐसे प्लेन पड़ेगा तो हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर देगा, तो इसको हम बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, इसको बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। बायलेटरल सिमेट्री हमने देख लिया। तो जो हमारी रेडियल सिमेट्री होती है वो किस में होती है, हमने देखा सिलेंट्रेट में होती है, टीनोफोरा में होती है और हमारे एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में होती है। जो बायलेटरल सिमेट्री होता है हमारा वो हमारा एनिलीडा, एनिलीडा, आर्थोपोडा और जो हमारा इकाइनोडर्मेटा होता है, इकाइनोडर्मेटा हमारा जो लार्वा वाला होता है वो हमारा बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। फिर कॉर्डेटा जो फर्दर फाइलम है वो सारे बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ठीक है, और जो हमारा स्पंजेज में था उसमें हमारा भी एक एक्सेप्शन होता था, हमारा इसमें स्पंजेज में था उसमें भी एक एक्सेप्शन है। जो स्पंजेज में हमारा जो साइकॉन होता है ना हमारा, जिसको हम बोलते हैं, एक मिनट, जो हाँ स्पंजेज में जो हमारा होता है साइकॉन, साइकॉन, साइकॉन को हम स्काइफा भी बोलते हैं, स्काइफा, स्काइफा जो होता है हमारा, स्काइफा जो होता है, और हमारा जो लिकोसिलोनिया होता है, लिकोसोलोनिया, लिकोसोलोनिया जो होता है हमारा, ये हमारी जो शो करते हैं ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। ये हमारा एक्सेप्शन है, इसको हम याद रखेंगे है ना, ये हमारी रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। उसके बाद हमारे जो होते हैं है ना एनिलीडा, आर्थोपोडा, उसके बाद जो फर्दर होते हैं वो हमारे सब बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ये हमने देख भी लिया कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है, बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है। ये बायलेटरल सिमेट्री है और हमारी ये जो है हमारी ये रेडियल सिमेट्री है ना, ये जो हमारी रेडियल सिमेट्री है। अब हम आगे देखते हैं, सिमेट्री हो गया हमारा। अब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, एंट्रोपोब्लास्टिक एनिमल है ना, ये क्या होता है, जर्मिनल लेयर्स होती है हमारी डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, ये हम देखेंगे इसमें। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है हमारा है ना, तो एनिमल इन विच द सेल आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, जो हमारी होती हैं वो एनिमल जिनमें हमारी टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं वो अरेंज होती हैं। जो हमारी एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल को हम बोलते हैं इक्टो है ना, और इंटरनल को बोलते हैं हम एंडो। जो हमारी एक्सटर्नल चीज़ होती है उसको हम बायोलॉजी में इक्टो बोलते हैं, और जो हमारी इंटरनल होती है उसको बायोलॉजी में हम एंडो बोलते हैं, और जो हमारी बीच में होती है उसको बायोलॉजी में हम मीजो बोलते हैं, मतलब मध्य में। ठीक है, तो हमारा क्या है, एनिमल इन विच द सेल आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, वो एनिमल जिनमें हमारी सेल टू एम्ब्रियोनिक लेयर में अरेंज होती हैं, जिसको एक्सटर्नल हम बोलते हैं एक्टोडर्म एंड इंटरनल बोलते हैं हम इंडोडर्म। तो ऐसे एनिमल को हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं है ना,
इक्टोडर्म और इंडोडर्म जिसमें पाई जाती है उसको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलेंगे। डिप्लो मतलब दो, ठीक है, ब्लास्ट मतलब दो, ठीक है। और उसके बाद ऐसे एनिमल को डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। तो अब इसका एग्जांपल क्या डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का, जो हमारे सिलेंटेड्स होते हैं, सिलेंटेड हो गया, सिलेंटेड का एक भाई है हमारा टीनोपोरा, है ना, टीनोफोरा, इसको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। इन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर, जो एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर जिसको हम मीजोग्लिया बोलते हैं और मीजोहेलाइन बोलते हैं, है ना, मीजोग्लिया को हम क्या बोलते हैं, मीजोहेलाइन भी बोलते हैं, मीजोहेलाइन। एंड अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर जो होती है मीजोग्लिया को हम मीजोहेलाइन बोलते हैं, वो हमारी प्रेजेंट होती है इन बिटवीन इक्टो एंड इंडोडर्म, यानी हमारी जो मीजोग्लिया अगर प्रेजेंट है इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे दो एनिमल, तो हमारे जो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं इनको, है ना। तो इन अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, दो एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड जर्मिनल लेयर मीजोडर्म इन बिटवीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, है ना। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं हमारे वो प्लेटेलेमेंथीस टू कॉर्डेटा होते हैं, प्लेटेलेमेंथीस टू कॉर्डेटा होते हैं। जैसे हमारा इसमें इक्टोडर्म और इंडोडर्म जिसमें पाए जाते हैं उसको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। अब हमारे डिप्लोब्लास्टिक और टिप्लोब्लास्टिक में डिफरेंट क्या होता है, जैसे हम देखो इसमें जो आपको बताते हैं, जो हमारे टिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल तो हमने देख लिया कि सिलेंटेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, है ना। जो हमारे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं प्लेटेलिमेंट्री टू कॉर्डेटा, प्लेटेलिमेंट्री टू कॉर्डेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, है ना। इनमें इक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में, सॉरी इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म पाई जाती है। जो हमारी होती है जर्मिनल लेयर, है ना, इनको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर। एम्ब्रियोनिक लेयर जो होती है हमारी, एम्ब्रियोनिक लेयर होती है हमारी, तो पहले कौन बनती है, बाद में कौन बनती है, है ना, बीच में कौन बनती है, इसका मतलब जैसे हमारा नाम से पता चल रहा है इक्टोडर्म, इक्टोडर्म जो होगी हमारी वो हमारी पहले बनेगी, सबसे पहले हमारी इक्टोडर्म बनेगी, उसके बाद हमारी बनेगी जो हमारी इंडोडर्म बनेगी, इक्टो के बाद में हमारी इंडोडर्म बनेगी, इंडोडर्म हमारी सेकंड, मतलब सेकंड हमारी इंडोडर्म बनती है। और जो हमारा मीजोडर्म, मीजोडर्म इसका मतलब बीच में, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पहले के बाद वो बन जाएगी, और जो हमारी मीजोडर्म होती है, मीजोडर्म हमारी लास्ट बनती है, सबसे बाद में बनती है हमारी लास्ट फॉर्म, है ना, सबसे बाद में बनती है मीजोडर्म हमारी, सबसे लास्ट में बनती है, ये हम देख लेंगे इसमें, ठीक है। इसमें हमको ये दिखाया गया है फिगर में, जर्मिनल लेयर के बारे में हमको दिखाया गया है। ये हमारा ए वाला जो फिगर है डिप्लोब्लास्टिक का है हमारा, इसमें देखो मीजोग्लिया पाई जा रही है जिसको मीजोहेलाइन बोलते हैं, है ना, मीजोग्लिया को मीजोहेलाइन बोलते हैं। अनडिफ्रेंशिएट लेयर होती है हमारी इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में पाई जाती है, ठीक है। और जो हमारा इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में अनडिफ्रेंशिएट लेयर पाई जा रही है हमारी, तो इसको हम मीजोग्लिया बोलते हैं, इसको मीजोहेलाइन भी बोलते हैं। तो इसलिए हमारे ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, सिलेंटेटा और टीनोफोरा हमारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उसके बाद हमारे प्लेटेलिमेंट्रोकॉर्डेटा जो होते हैं हमारे वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं, है ना। अब ये हमारा मीजोग्लिया जो था हमारी, ये एक मीजोडर्म में कन्वर्ट हो गई इंडोडर्म में और इक्टोडर्म के बीच में, तो हमारा ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का हो गया, ठीक है। जो हमारे टिप्लोब्लास्टिक एनिमल थे, हमारे टिप्लोब्लास्टिक एनिमल प्लेटेलिमेंट्री टू कॉर्डेटा है, ठीक है। अब उसके बाद हमको दिया गया सिलोम, सिलोम का मतलब होता है हमारा देगुआ, सिलोम का मतलब होता है हमारा देगुआ, देगुआ हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। सिलोम प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही है, ये हमारा क्लासिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये क्लासिफाइड तभी कर पाएंगे कि हमारे गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में कैविटी पाई जा रही है, तो उस टाइप के एनिमल को हम सिलोमेटर एनिमल बोलेंगे, जिसमें नहीं पाई जा रही है उसको हम ए सिलोमेटर एनिमल बोलेंगे, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन, है ना, ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द बॉडी कैविटी विच लाइंड बाई मीजोडर्म,
जो बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लैंड होती है, लैंड मतलब घिरी हुई होती है, इसको हम बोलते हैं सिलोमेट, है ना, कॉल्ड सिलोम सॉरी। जो बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लैंड होती है उसको हम सिलोम बोलते हैं, है ना। एनिमल प्रोसेसिंग सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट, जो ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें सिलोम होती है तो उसको हम सिलोमेट एनिमल बोलते हैं। सिलोमेट एनिमल हमारे क्या होते हैं, हमारे सिलोमेट के एनिमल का एग्जांपल हमको दिया गया है, एनिलिडा हमारे होते हैं, है ना, और हमारे मोलस्का होते हैं, आर्थ्रोपोडा होते हैं, इकाइनोडर्मेटा होते हैं, हेमिकार्डेटा होते हैं और हमारे कॉर्डेटा होते हैं, है ना। जो हमारे सिलोमेट एनिमल हो गए वो हमारे कौन कौन से हो गए, एनिलिडा टू हमारे कॉर्डेटा जो होते हैं हमारे वो सिलोमेट एनिमल होते हैं, है ना। एनिलिडा टू कॉर्डेटा जो होते हैं हमारे वो सिलोमेट एनिमल होते हैं, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। इन सम एनिमल, और जो हमारे कुछ एनिमल होते हैं, इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाय मीजोडर्म, जो हमारी कुछ एनिमल में बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन नहीं होती है, इंस्टीड मीजोडर्म मतलब मीजोडर्म की जगह स्कैटर्ड पाउच इन बिटवीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, जो हमारी होती है, देखो जो हमारे कुछ एनिमल होते हैं जिनमें हमारी मीजोडर्म नहीं पाई जाती, मीजोडर्म जो होती है वो मीजोडर्म पाउच के रूप में स्कैटर्ड होती है ना, पाउच के रूप में स्कैटर्ड होती है इंडोडर्म और इक्टोडर्म के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं सीडोसिलोमेट, है ना। तो उसको हम सीडोसिलोमेट एनिमल बोलते हैं, हमको ये दिया गया है। इन सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाई मीजोडर्म, कुछ एनिमल में बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन नहीं होती है, इंस्टीड द मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच, जो हमारी मीजोडर्म होती है वो स्कैटर्ड पाउच के रूप में प्रेजेंट होती है, इन बिटवीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच मीजोडर्म होती है वो स्कैटर्ड पाउच के रूप में प्रेजेंट होती है, सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीडोसिलोमेट, है ना। तो ऐसी कैविटी को हम सीडोसिलोम बोलते हैं, सीडो मतलब आवासी, आवासी मतलब जो दिखती है वो है नहीं, ठीक है, आवासी सीडोसिलोमेट। और ऐसे एनिमल जो हमारे इस टाइप की सीडोसिलोमेट वो करते हैं, हमारी प्रोसेस ऐसे इस टाइप की जो हमारी सिलोम प्रोसेस करते हैं, है ना, तो स्कैटर पाउच वाली, तो हम उसको बोलते हैं सीडोसिलोमेट एनिमल। सीडोसिलोमेट एनिमल जो होते हैं हमारे एक ही हैं, क्या है हमारे एस्केलमेंथेज, एस्केलमेंथेज हमारे जो होते हैं वो सीडोसिलोमेट होते हैं, और जो हमारे सीलोमेट एनिमल होते हैं वो सीलोमेट एनिमल होते हैं हमारे एनिलिडा टू कॉर्डेटा, है ना। और उसके बाद एक और हमारा एसीलोमेट एनिमल, तो वो हम देखते हैं। एनिमल इन विच है ना, जो हमारा होता है, हाँ सीडोसिलोमेट हो गया। अब इसके बाद द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज अब्सेंट, जो ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें बॉडी कैविटी ही अब्सेंट है ना, तो जिसमें सिलोम ही एब्सेंट है, बॉडी कैविटी ही एब्सेंट है, तो उसको हम बोलते हैं एसिलोमेट एनिमल। यानी ए मतलब एब्सेंट, सिलो मतलब सिलोमेट, यानी बॉडी कैविटी ही एब्सेंट है, उसमें देगुआ ही एब्सेंट है ना, तो एसिलोमेट एनिमल बोलते हैं। एसिलोमेट एनिमल होते हैं हमारे प्लेटल हेलमिंथीज होते हैं। तो अब आपको हम समराइज मैनर में बता देते हैं। समराइज मैनर में क्या हुआ, जो हमारे सिलोमेट एनिमल होते हैं, सिलोमेट एनिमल होते हैं एनिलिडा टू हमारे कॉर्डेटा होते हैं, है ना। जो सीडोसिलोमेट होते हैं हमारे, सीडोसिलोमेट होते हैं हमारे वो हमारे क्या होते हैं, सीडोसिलोमेट होते हैं हमारे वो हमारे एस्केलमेंथीज होते हैं, सीडोसिलोमेट हमारे होते हैं एस्केलमेंथीज होते हैं। और जो हमारे एसिलोमेट होते हैं, एसिलोमेट होते हैं वो हमारे प्लेटल हेलमेंथीज होते हैं, जी हम नोट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। हमको यहाँ पे फिगर में दिया गया है, हमको कुछ फिगर दिए गए हैं, डायग्राम दिए गए हुए हैं, उनको हम देख लेते हैं। डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ द सिलोमेट, है ना, ए वाला जो हमको सिलोमेट का दिया गया है, सेकंड नंबर ऑफ सीडोसिलोमेट का दिया गया है, और सी वाला हमारा ए सिलोमेट का दिया गया है, तो इसको कैसे देख लेते हैं हम इसमें। तो इसमें हमारी है ना, ये सिलोमेट का है, ये सिलोम का है, इसमें बॉडी कैविटी, बॉडी वॉल और कैविटी के बीच में स्पेस है, ये है ना स्पेस है, तो ये सिलोमेट का है। इसमें जो हमारी मीजो जो हमारी थी मीजोडर्म स्कैटर पाउच के रूप में पाई जा रही थी, तो ये हमारा सीडोसिलोमेट का था, सीडोसिलोमेट का हमारा ये था, सीडोसिलोमेट का था हमारा, है ना। और जो सीडोसिलोमेट का एग्जांपल था हमारा एस्केलमेंथीज था, और जो हमारा सी था इसमें कोई भी कैविटी नहीं है, बॉडी वाल और गट बीच की बीच कोई कैविटी नहीं है, तो ये हमारा एसिलोमेट का था। एसिलोमेट का एग्जांपल जो हमारा था वो प्लेटल हेलमिंथीज था, ठीक है। अब इसमें देखते हैं सेगमेंटेशन, जो हमारा सेगमेंटेशन क्या होता है ना, सेगमेंटेशन जिसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन हम
मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो हमारा एनलिडा में पाया जाता है वो हम पढ़ेंगे इसी में, है ना, मेटामर्स जो बोलते हैं इसी में हम पढ़ेंगे। इन सम एनिमल द बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू सेगमेंट, मतलब उनकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट में डिवाइड होती है। सीरियल रिपीटेशन, सीरियल रिपीटेशन एट लीस्ट सम ऑर्गन, है ना, मतलब इन सम एनिमल द बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इंटू सेगमेंटेड विथ ए सीरियल रिपीटेशन एट लीस्ट सम ऑर्गन, मतलब किसी ना एट लीस्ट एक ऑर्गन का सीरियल रिपीटेशन होना चाहिए और एक्सटर्नली और इंटरनली वो डिवाइड होनी चाहिए, है ना, सेगमेंट में, तो उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेड बोलते हैं, सेगमेंटेशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इन अर्थवर्म, जो हमारा अर्थवर्म होता है, बॉडी सौ पैटर्न कॉल मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो अर्थवर्म की बॉडी होती है वो हमारी एक पैटर्न शो करती है बॉडी, जिसको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, एंड इस फिनोमेना को हम मेटामेरिज्म बोलते हैं। जो अर्थवर्म की बॉडी जो होती है वो एक उसका मेटामर पाया जाता है उसमें, है ना, मेटामर मतलब टुकड़े, उसमें छल्ले एक डूंगे रिंग के नुमा स्ट्रक्चर पाई जाएंगी, उसकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है सेगमेंटेशन में, है ना, सेगमेंट में डिवाइड होती है, तो इसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और जो हमारी ये फिनोमेना होता है इसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। जो हमारा सेगमेंटेशन सिर्फ तीन में पाया जाता है, एनिलिडा में आर्थ्रोपोडा में एंड वर्टिब्रेटा में, ठीक है, इसमें तीन में सेगमेंटेशन पाया जाता है। जो कि हमारा वर्टिब्रेटा में होता है वो इंटरनल सेगमेंटेशन होता है, इसमें जो होता है हमारा इंटरनल सेगमेंटेशन होता है, इंटरनल सेगमेंटेशन यानी हमारी जो रिब्स होती हैं, है ना, वर्टिब्राई होती हैं, ये हमारी सेगमेंटेशन होते हैं, इसमें सीरियल रिपीटेशन होता है, सेगमेंटेड हमारी रिब्स जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें हमारी सीरियल रिपीटेशन है, ब्रेन्स में भी पाए जाते हैं हमारे सेगमेंटेशन। और जो होता है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा जो होते हैं हमारे, इसमें साइडोसिलोमेट बोलते हैं, साइजोसिलोमेट एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा को साइजोसिलोमेट बोलते हैं हमारी, यानी एक्ट्रोसिलोमेट होते हैं, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा जो होते हैं हमारे साइजोसिलोमेट यानी ट्रू सिलोम इसमें पाई जाती हैं, है ना। और जो हमारे ये सेगमेंटेशन शो करते हैं, अर्थवर्म होता है हमारा सेगमेंटेशन शो करता है, ऐसे मेटामेरिज्म पाई जाती है इसमें, है ना, इसमें इसके सेगमेंट को मेटामेरिक सेगमेंट टेशन बोलते हैं और इस फिनोमेना को हम मेटामेरिज्म बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, नोटोकार्ड है, नोटोकार्ड डिसाइड करेगा कि हमारा ये एनिमल कॉर्डेट है या नॉन कॉर्डेट है, है ना, नोटोकार्ड है हमारा कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट की भी डिफ्रेंशिएट करने में बहुत हेल्प करता है। नोटोकार्ड इज मीजो टर्मिनली ड्राइव, जो हमारी होती है नोटोकार्ड होती है वो मीजो टर्मिनली ड्राइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो हमारी नोटोकार्ड होती है मीजो टर्मिनली बनती है, मीजो टर्म से बनती है, है ना, ये हमारी जर्म लेयर हैं जो हमारी गैस्ट्रेशन पीरियड के टाइम बनती हैं, मीजोडर्म इक्टोडर्म एंडोडर्म ये सब जर्म लेयर जो हमारी गैस्ट्रेशन पीरियड में बनती हैं, है ना। नोटोकार्ड इज मीजो टर्मिनली ड्राइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन द डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड का मतलब होता है हमारा बैक साइड, है ना, बैक साइड का मतलब पीठ का साइड, जो हमारा पीछे का हिस्सा होता है बैक साइड, इसको हम बोलते हैं डॉर्सल साइड, और इसको हम बोलते हैं वेंट्रल साइड, वेंट्रल मतलब हमारा उदर, उदर का मतलब होता है हमारा पेट, है ना, मतलब जिस साइड हमारा पेट होता है, छाती होती है, उसको हम वेंट्रल साइड बोलते हैं, और जिस साइड हमारी पीठ होती है उसको हम डॉर्सल साइड बोलते हैं, है ना। नोटोकार्ड इज मीजो टर्मिनल टाइप रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है यानी हमारा गैस्ट्रेशन पीरियड होता है, तब हमारी ये मीजोडर्म इक्टोडर्म एंडोडर्म ये सब जर्मिनल लेयर बनती हैं, है ना। डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल, कुछ एनिमल में हमारी नोटोकार्ड जो होती है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम डॉर्सल साइड में बनती है, वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, है ना। कुछ एनिमल बोला है, ऑल एनिमल नहीं बोला है, अगर आल हो जाएगा तो सारे के सारे जो हमारे कॉर्डेट हो जाएंगे, बट हमारे जो हम पढ़ते हैं पोरीफेरा, है ना, ये हमारे कॉर्डेट में नहीं आते हैं, है ना, कॉर्डेट में सिर्फ हमारे कॉर्डेट ही आते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। सम एनिमल बोला है, आल एनिमल नहीं बोला है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। एनिमल विद नोटोकार्ड, जिसमें जिस एनिमल में नोटोकार्ड होती है, एनिमल विद नोटोकार्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट, मतलब जिस एनिमल में नोटोकार्ड होती है उसको हम कॉर्डेट बोलते हैं, एंड दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म दिस
स्ट्रक्चर, मतलब जिन एनिमल में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ये स्ट्रक्चर नहीं बनती है तो उसको हम नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। नॉन कॉर्डेट हम बोलते हैं पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं हमारे, वो नॉन कॉर्डेट होते हैं। ठीक है, जो पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा होते हैं हमारे नॉन कॉर्डेट होते हैं, है ना, जिसमें हमारी मेसोटर्मली ड्राइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनती, उसको हम नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। ठीक है, अब एनिमल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल क्या हमारा, द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स एज मेंशन इन प्रीसीडिंग सेक्शन गिवन फिगर 4.4। आगे हमको फिगर दिया गया है उसमें ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की फंडामेंटल फीचर्स, कॉमन फीचर्स के बारे में हमको बताया गया है, तो हम देख लेते हैं उसको। जो हमको दिया गया है इसमें, इसमें किंगडम दिया गया है हमको, है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है उसमें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फिर सिमेट्री दी गई हमको, बॉडी कैविटी और सीलोम दिया गया है जिसको हम बोल देते हैं कि हमारा ये इसी से डिसाइड हो रहा था हमारा ऑर्गेनिज्म जो है वो सीलोमेट है, सीडो सीलोमेट है, ए सीलोमेट है। उसके बाद हमको दिया गया फाइलम, फाइलम दिया गया हमारा, फाइलम हमको दिया गया है ना, तो हम देख लेते हैं किंगडम हमको, किंगडम तो हम देख लें, किंगडम तो हमको एनिमल ही है भाई, एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको किंगडम एनिमल एनिमल या ही है। तो एनिमल या के जितने भी मेंबर थे हमारे वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर थे, ऑल मेंबर ऑफ किंगडम एनिमल या आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, और फिर इसमें इसमें हमको दिया गया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमको दिया गया है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था हमारा, है ना, ये किस में पाया जाता है, हमारा स्पंजेज में पाया जा रहा था। स्पंज की स्टडी को हम बोलते हैं पैराजुलॉजी, पैराजुलॉजी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कुछ इसके ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एज लाइक प्लांट और एनिमल के बीच के कैरेक्टर शो करते हैं, तो इसको बोलते हैं पैराजुलॉजी, स्पंज की स्टडी को। ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है बट आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, स्पंज की स्टडी को पैराजुलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमको सिमेट्री दिया गया है, सिमेट्री में हमको दिया गया है एसिमेट्री दिया गया है, जो हमारे मोस्टली स्पंज होते हैं हमारे वो एसिमेट्रियल एसिमेट्रिकल थे, है ना, उसमें बॉडी प्लेन से उसको बॉडी को डिवाइड नहीं कर पा रहे थे इक्वल ऑफ पे। और रेडियल सिमेट्री जो थी हमारे सिलेंट्रेटा में थी, टीनोफोरा में थी, और हमारे एडल्ट इकाइनोडर्मेटा जो था हमारा रेडियल सिमेट्री शो कर रहा था। और हमारे स्पंज का एक्सेप्शन जो था हमने बताया था स्काइफा, और जिसको हम साइकॉन बोलते थे, और हमारे ल्यूकोसोलेनिया, ये हमारे रेडियल सिमेट्री शो करते थे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आते हैं हमारे मेडिकल एग्जाम में, और कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो क्वेश्चन वहीं से बनाता है जहाँ से कुछ एक्सेप्शन हो, है ना, जहाँ से कुछ झोला हो, मतलब कुछ गड़बड़ है तो वहाँ से क्वेश्चन बना देगा, हम लोग उसको नॉर्मल ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी होती है बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री हमारी जो क्या थी, जो हमारी राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड कर रही थी, है ना, जो कि हमारी कहाँ से पाई जा रही थी, लैटरल एमिनिथेट टू कोऑर्डेटा, बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, और उसके बाद हमारी बॉडी कैविटी और सीलोम, बॉडी कैविटी और सीलोम, जिसमें बॉडी कैविटी थी तो उसको सीलोमेड बोलते थे, जिसमें नहीं थी उसको हम एसीलोमेड बोलते थे, है ना, जिसमें भी जो स्कैटर टाइप की थी उसको हम सीडोसीलोमेड बोलते थे। एसीलोमेट यानी हमारे जो स्पंज थे वो हमारे वो मोस्टली एसीलोमेट ही थे, है ना, उसमें सीलोम नहीं थी, है, तो इसके बाद हमको दिया गया फाइलम। तो ये मतलब जितने कैरेक्टर हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री थी यानी बॉडी एसिमेट्रिकल थी, और जिसकी और ए सिलोमेट एनिमल थे, तो ये हमारे कैरेक्टर आ रहे हैं पॉरीफेरा के, है ना, स्पंजेज के कैरेक्टर हैं। ठीक है, और इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम में हमारा रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री हमारा था, और बॉडी जो कैविटी थी वो हमारी ए सिलोमेट थी, ए सिलोमेट बॉडी कैविटी थी, और हमारी तो ये हमारे किसके दिए गए हैं, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी बोलते हैं, सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी बोलते हैं, कभी कभी हमको क्वेश्चन में देते हैं सिलेंट्रेट ना देके निडेरिया दे देते हैं, और टीनोफोरा, है ना, तो यानी टीनोफोरा की बॉडी रेडियल उसमें सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है, ए सिलोमेट होते हैं, है ना, और हमारे ये सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, उसके बाद बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री में हमारी होती हैं बायलैटरल सिमेट्री हमारी जो थी प्लेटल एलिमेंट्री टू कॉर्डेटा पाई जा रही थी, है ना। अब इसमें बॉडी कैविटी और सिलोम में क्या दिए गए, विदाउट बॉडी कैविटी यानी जिसमें विदाउट बॉडी कैविटी ए सिलोमेट जो थे हमारे, ए सिलोमेट हमने पढ़ा था जो हमारे प्लेटल एलिमेंट थे हमारे ए सिलोमेट थे, और विथ फॉल्स सिलोम जिसमें फॉल्स सिलोम थी
उसको हम बोलते थे स्केलमेंथीज, है ना। इसमें की फॉल्स सिलोम थी उसको हम स्केलमेंथीज बोलते हैं। सीडो मतलब आवासी होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा था, उसके बाद जो हमारी थी, उसके बाद जो हमारी थी बिट ट्रू सिलोम, जिसमें ट्रू सिलोम पाई जा रही थी। तो ट्रू सिलोम हमारी किस में पाई जा रही थी? ट्रू सिलोम जो हमारी पाई जा रही थी वो एनिलिडा में, आर्थोफोडा में, मोलस्का में, है ना, और इकाइनोडर्मेटा में, है ना, इकाइनोडर्मेटा में। अब इकाइनोडर्मेटा में हमको स्टार क्यों दिया गया है? इकाइनोडर्मेटा में हमको स्टार क्यों दिया गया है? इकाइनोडर्मेटा में हमको स्टार इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, क्योंकि जो हमारा इकाइनोडर्मेटा का जो हमारा इकाइनोडर्मेटा का जो हमारा लार्वा था वो हमारा बाइलेटरल सिमेट्री शो कर रहा था, और जो इसका हमारा एडल्ट था वो हमारा रेडियल सिमेट्री शो कर रहा था। यही हमारा एक्सेप्शन है, इसीलिए हमको यहाँ पे स्टार दिया गया है, ठीक है। और हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा यानी हमारे जो सिलोमेट एनिमल होते हैं, ट्रू सिलोमेट एनिमल होते हैं, वो एनिलिडा होते हैं, आर्थोपोडा होते हैं, मोलस्का होते हैं, इकाइनोडर्मेटा होते हैं, हेमिकॉर्डेटा होते हैं, कॉर्डेटा होते हैं, है ना। ये हमारे ट्रू सिलोमेट होते हैं, यानी इसको हम सिलोमेट एनिमल बोलते हैं। अब ये हमारा इसमें दिया गया है, हमारा देख लेते हैं। इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन स्टेज, यानी इकाइनोडर्मेटा जो होता है हमारा वो रेडियल सिमेट्री शो करता है और बाइलेटरल सिमेट्री भी शो करता है डिपेंडिंग ऑन स्टेज, यानी जो हमारा उसकी एज की स्टेज होगी उस पर डिपेंड करता है। यानी हमारा जो लार्वा होगा वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करेगा, जो हमारा एडल्ट होगा वो रेडियल सिमेट्री शो करेगा। 4.4 फिगर तो हमारा ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमिलिया एनिमल बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स डिफरेंट फाइला डिस्क्राइब, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फाइला के फीचर्स को डिस्क्राइब करके उसका हमारा एक समराइज मैनर पे अगर हम इसी को पढ़ लेंगे अच्छे से तो हमको सारा कॉन्सेप्ट जो इंट्रोडक्शन का अभी तक हमने पढ़ा वो क्लियर हो जाएगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया है, सिंपल लैंग्वेज में बताया है। सो आई होप यू रियली अप्रिशिएटेड मी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर माई वीडियो विथ फ्रेंड्स, एंड ऐसे वीडियो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए। और जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, यू हैव ए नाइस डे।